यहाँ से गाड़ी से 2 किलोमीटर आगे जाके भैया फांसी लगा ली है। ना कुछ खाने पीने वाला बंदा, सुलझा बंदा था, 16 दिन से तो हमारे साथ ही चल रहा है। ये कंपनी है बोतल की, अपनी कंपनी की 5 गाड़ी खड़ी है, 8 दिन से खड़ी है। आज तक कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना, वो अपना गाड़ी से ही नहीं उतरता था, गाड़ी में ही बैठा रहता। अब ये पता नहीं भैया यार कैसे बताऊं यार, कैसे क्या कर ली इनने यार। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 8 दिन से अनलोडिंग के लिए खड़ी गाड़ियां, एक ड्राइवर ने ना तो कुछ बोला ना कुछ समझा, कर दी ये बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, हासन कर्नाटका से ये वीडियो सामने आई है, जहां पर बोतल लोड करके 5 ट्रक पहुंचे थे। अलग अलग जगहों से ये ट्रक आए थे, 2-3 अगस्त को वहां पहुंच गए थे, लेकिन इनकी गाड़ियां अनलोड नहीं हुई, ये हमें ड्राइवरों ने बताया। पर इस ही बीच एक और बड़ी घटना सामने आ गई। उन्हीं में से एक ड्राइवर जो कि काफी दिनों से शांत था, किसी से ना कुछ बोल रहा था ना बता रहा था, लोग भी बोल रहे हैं, उसके साथी बोल रहे हैं कि ये तो गाय आदमी था, किसी से ना कुछ बोलता था ना कुछ कहता था, ना कोई नशा ना पत्ता, लेकिन उसने ऐसा कांड कर दिया कि जिंदगी भर अब उसके परिवार वालों को रोना पड़ेगा। क्या कुछ हुआ वहां पर, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। ये देखो ये गाड़ी है, ये 4719 गाड़ी है, इसके ड्राइवर भैया ये यहाँ से गाड़ी से 2 किलोमीटर आगे जाके भैया फांसी लगा ली है। ये भाई साहब अपनी अपनी कंपनी की गाड़ी है, आरएस की, देखो जस्ट पीछे हम भी खड़े हैं। देखो अपनी गाड़ी भी ये खड़ी है, ये 4719 है, वो 3860 है। ये कंपनी है बोतल की, अपनी कंपनी की 5 गाड़ी खड़ी है, 8 दिन से खड़ी है। 2 ये खड़ी है BS6, 2 ये खड़ी है BS4, 1 वो खड़ी है BS4, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसी बात ना है। अब ये पता नहीं भैया यार, कोई कैसे बताऊं यार, कैसे क्या कर ली इनने यार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर वो बोतल अनलोड करने पहुँचे थे, वहाँ से आगे 2 किलोमीटर जाकर एक ड्राइवर ने अनहोनी ही कर डाली। इसकी वीडियोस ऐसी हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते, नहीं तो आप विचलित हो सकते हैं। ऐसा कदम उठा लिया ड्राइवर ने कि अपनी जिंदगी से उसे हाथ धोना पड़ गया। अब परिवार वाले रोते बिलखते होंगे, और क्या क्या हुआ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा हादसा हो गया कि ड्राइवर भी सन्न रह गए, अपनी जिंदगी से ही हाथ धो गया। उसके बाद ड्राइवरों में खलबली मच गई, वहाँ पर सन्नाटा सा पसर गया, साथियों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर करना क्या है। दोस्तों पहले ही ट्रांसपोर्ट जगत ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा है, तमाम तरह की परेशानियां ये झेल रहे हैं, बहुत से लोग इस काम को छोड़ रहे हैं और कुछ अपनी जिंदगियों से ही हाथ धो ले रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है या क्यों, या झेल नहीं पाते, अपनी जिंदगियां ही गंवा डालते हैं। थोड़ा सा उन्हें हिम्मत रखनी होगी जो ऐसा काम कर रहे हैं। हमने बात की ड्राइवरों की शॉर्टेज की, तो ट्रांसपोर्ट जगत पहले ही इससे परेशान है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबूलाल मौर्या हैं, जिन्होंने बताया कि गोवा मुंबई हाईवे पे वो जा रहे थे रायगढ़ के पास, वहाँ उनके सामने एक ट्रैफिक कांस्टेबल आ गया, रोड पर गड्ढे थे, दूसरी तरफ कांस्टेबल थे, उन्हें बचाने के चक्कर में उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी साइड की। अब इस बात की प्रशंसा करने की बजाय कि इन्होंने ड्राइवरी में अपना तजुर्बा दिखाया, ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी फोटो खींची, RTO को भेज दिया और चालान करवा दिया 4200 रुपए का। यही नहीं, ये कहानी सिर्फ मौर्या की नहीं है, इसी तरह के बहुत से ड्राइवर हैं जो इस तरह की बातें बताते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के नियम कानून, ऊपर से बेईमानी, अवैध वसूली, ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ड्राइवर परेशान हैं और इस काम से अपना मुंह मोड़ ले रहे हैं। यही नहीं, अशोक गोयल हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और एक लीडिंग ट्रांसपोर्टर भी हैं। उनका कहना है कि देश में 1 करोड़ ड्राइवरों की जरूरत है पूरे देश में, और जबकि सिर्फ 80 लाख के करीब ड्राइवर रह गए। उनका कहना है कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए इनकी समस्याओं पर, इनकी परेशानियों पर। ये भी उन्होंने बताया कि जगह जगह जहां यार्ड में, गोडाउन में ये लोग जाते हैं, ड्राइवर लोग गाड़ियां खाली करने या लोड करने, तो कई कई दिन लग जाते हैं, जिसका यह होता है कि उनकी हिम्मत टूट जाती है, साहस टूट जाता है और कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं कि अनहोनी हो जाती। अब ये मामला हम तक पहुंचा तो हमने भी कोशिश की
कि उस कंपनी से बात की जाए, ड्राइवर की मदद की जाए, ड्राइवर के परिवार वालों को सहायता दिलवाई जाए। कंपनी के नंबर पर हमने फोन लगा दिया तो हेड ऑफिस में नंबर मिला, वहाँ पर बात हुई, उन्होंने आगे किसी कंसर्न्ड पर्सन का नंबर दे दिया। हमने उनसे बात की, फिर हमने सिर्फ उनसे ये पुष्टि करनी चाहिए कि ये जो सारा मामला सामने आया है, ये बड़ी घटना बताई जा रही है या अनहोनी बताई जा रही है, क्या ये सच है, क्या इस ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी। तो इस बात की तो उन्होंने पुष्टि कर दी कि हमारे यहाँ का ही ड्राइवर है जिसने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये मामला लीगल टीम के पास है। हमने सोचा कि हम उसके परिवार वालों को कुछ मदद दिलवा सकें इस कंपनी से, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी ही बात की और आगे की बात करने से वो बचना चाह रहे थे। दोस्तों, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले से सामना करना पड़ता है। ये मुसीबतें कुछ पल के लिए होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप अपने साहस को बड़ा कर ले तो इस तरह दिल हार लेने से, कोई इस तरह का कदम उठा लेने से कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि आप अपने परिवार वालों को और मुसीबत में डाल देते हैं। इस वीडियो के बारे में जानने के बाद आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।